मलिक आमिर लंगरे ख़ैल की छत पर हम मौजूद और उनका पहला कबूतर आपके सामने। आमिर लंगरे ख़ैल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। आमिर भाई, क्या हाल है? जनाब तमाम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, तो आमिर लंगरे ख़ैल का सलाम कबूल करें। तो आमिर भाई, क्या हाल है? शुक्र जनाब, ठीक ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनाएं जी, पहला कबूतर माशाल्लाह बैठे हैं। जी जी, पहला बैठे। तो शो कितने हैं? 7-8 नजर आ रहे हैं, ऊपर हैं, ऊपर हैं। तो माशाल्लाह आमिर भाई, कितने टूर्नामेंट में हिस्सा? 8 टूर्नामेंट उड़ा रहे हैं। 8 टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। एक पिपला का लोकल है और 7 जो है वो पंजाब से तक है। और इनफरादी मुकाबले कितने घरों के साथ हैं? 26 घरों से। 26 घरों के साथ हैं। तो जी 26 घरों के साथ हैं। और आपके पास मुनसिफ किस छत से आए हैं? मुनसिफ आए हैं जी सरदार अमीर खान की छत से और भाई जवेद अहमद खान पिपला की छत से। जवेद मुजफ्फर ख़ैल जी जी। अच्छा जी, उनकी छत से जो है ना जी, वो इनके पास मुनसिफ जी जी। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल, ठीक हो? तो किस छत से मुनसिफ आए हो जी? जवेद खान और अमीर खान पिपला से। अच्छा, जवेद खान और अमीर खान की छत से। तो सुनाएं जी, कैसे तो कैसा जा रहा है जी? बेहतरीन, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा कबूतरबाज है, अच्छी कबूतरबाजी हो रही है। तो आप खुद भी कबूतर रखे हुए हैं आपने? बचपन से। बचपन से, क्या नाम है आपका? गुलाम हुसैन। अच्छा गुलाम हुसैन, ये बताएं भी झंडी का कितना टाइम है? 5 मिनट। 5 मिनट है। तो झंडी का टाइम शुरू किस वक्त से होता है? 5 बजे। 5 बजे से शुरू होता है। और अब आज ये बताएं, मेयार जो है कबूतर का, कबूतर का मेयार कहाँ पे होते हैं? अभी देख लेते, कबूतर खड़ा था, अब ये जोड़ा खड़ा है ना, 5 कट्ठे हैं जी, ये जोड़ा देख रहे हैं, ये मेयार के ऊपर है। मेयार के ऊपर है, ऊपर है। तो बाकी आप आमिर लंगरे ख़ैल के मेहमान हैं और इस छत पर आए हैं, 3 परवाजें हो चुकी हैं, चौथी, तो कोई मसले मसाइल? कोई मसला मसाइल नहीं, बहुत अच्छे इंसान है और मैं बहुत अच्छा कबूतरबाज है, बहुत अच्छा शौकीन है। 6-35 तो मैं कबूतरी कटी है और हंस के कटी है। अच्छा, तो वो जो कबूतरी 6-35 पर कटी है, आप साइंस में मैं आकर जी कबूतरी देखो, तो मेरी कटी है। तो जी दोस्तों, सुन लें जी के मुनसिफ जीत भी तो बड़ा फर्क भाई। तो मुनसिफ बता रहे हैं कि 6:35 पर कबूतरी इनकी जो है ना जी मकसद मुकाबले से आउट हुई है और आमिर ने खुद कटवाई है। तो आमिर उस वक्त क्या सिचुएशन थी जब 6:35 पे? नहीं राम साहब, कोई सिचुएशन नहीं थी, मादी लगड़ मारे लंबी लगी गई, टाइम तो हट गया। ये तो भाई हसनैन मेरा कहे कि भाई ये मादी देखो, तो मैं पर करा दे निशान ले, मगर भाई कटी गई। हालांकि मेरी वो मादी पिछली पहली परवाज है पंजाब जो सब तो टॉप के नाम चाहे 8:14 थे, मेरी बड़ी मेन मादी मुकाबले जो उठ गई है, लेकिन पार्ट ऑफ गेम उस गलत असूल तो हट गई थी, कटी गई। सही, तो इनफरादी मुकाबले कितने घरों से? 26 घरों से। तो क्या वैसे जनरल रिजल्ट? अच्छी पोजीशन जा रही है, हम एवरेज भी हमारे ठीक उड़ रहे हैं, कबूतर 80-90 घंटे 100 घंटे के हिसाब से आ रहे हैं। पहली परवाज में 4 कबूतर शॉट हुए, दूसरी में एक क्लियर था, दूसरी में एक मादी कट गई है और एक कबूतर लगड़ ने उठा लिया, उसके बावजूद भी 7:42 पे हमारी मादी बैठी है। तो कबूतर ठीक उड़ रहे हैं, अच्छे उड़ रहे हैं, मुकाबले ठीक हो रहे हैं, किसी हमने 2 जीती है, किसी ने हमसे 2 जीती है। हिट का मुकाबला भी है किसी के साथ? किसके साथ? यासीन खान नौशेरा के साथ, सिर्फ उस्ताद यासीन खान नौशेरा खान के साथ भी मेरे ख्याल में शायद भूल न जाऊं। तो हिट में क्या जा रही है? अच्छी जा रही है, लास्ट बैठ रहे हैं हिट में, आप विनर जा रहे हैं? विनर जा रहे हैं। ठीक ठीक, तो जी दोस्तों आमिर भाई की आपने बात सुनी है, तो इसी तरह ही गेम होनी चाहिए। तो ये आपके सामने उनकी छत भी और जैसे उन्होंने बताया है, तो जी जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारे साथ मलिक फियाज कुंदी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है फियाज भाई? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन है। तो दोस्तों फियाज के बारे में मैं बता दूं कि मलिक आमिर लंगरे ख़ैल के कज़न हैं और इस छत के होली सोली हैं, तो इनके पास ही तमाम रिकॉर्ड होता है और तमाम कबूतर के मुतल्लिक जितने भी टाइम हैं उनकी विनिंग ये सब कुछ। तो ये तो मलिक फियाज क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, कैसा जा रहा है शौक? चौथी परवाज है आज, बेहतरीन मज़ेदार है। मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन।
तो टूर्नामेंट्स जो हैं उनमें क्या पोजीशन जा रही है? लेकिन कितना यानी कि कोई फर्क ज्यादा है या कम? किसी में 12वें नंबर पे है, किसी में 14वें पे है, एक में 51 नंबर पे। घंटों का भी तो घंटों का इतना ज्यादा फर्क नहीं है। इंशाल्लाह पहले मौसम खराब थे, अब मौसम सही हुए तो कवर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगर मौसम साफ हो गया तो पहली परवाज में कबूतर कितने रात रह गए थे? दो चार कबूतर, चार कबूतर रात रह गए थे। नौ वो फिर कितना टाइम बना था आपका? 7-9 घंटे कुछ मिनट, 7 कबूतरों के साथ। तो जी दोस्तों सुन लें जी कि 7 कबूतरों के साथ मलिक कामिल लंगर ख्याल के कबूतरों ने 90 घंटे से टाइम बनाया था। तो अब हम चलेंगे जी मलिक कामिल लंगर ख्याल की जो परवाजी छत है उस तरफ, जहाँ पे कबूतर भी बैठे हैं। अभी आपको हमने दिखाया, ये आपके सामने जी मलिक कामिल लंगर ख्याल की छत पर आप हम जा रहे हैं। कबूतर उनके 5-6 शो भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलो मोर करा दी कर। ये जी ये आमिर की ये 2:25 पर बैठी है। तो ये कोई क्या नंबर है, नाम है क्या दिया हुआ इस कबूतरी? 43 नंबर। उस्ताद अमीर मुख्तियार खान के जो ब्रीड है जी उसमें से है ये बादशाह। अच्छा जी उनके अनमोल है और बादशाह कबूतर आपने नाम दिया हुआ है। तो ये इससे पहले जो 3 परवाजें गुजर चुकी हैं आमिर भाई, उसमें इनका क्या टाइम रहा इसको? ये पिछली परवाज में 2:28 पे बैठी है। अच्छा जी। और ये हमने पहली बाजी में नहीं डाली थी, दूसरी में जब हमारे 4 कबूतर रात रुके तब हमने डाली है। दूसरी में किस टाइम बैठी है? दूसरी में बैठी थी 1:30 बजे। 1:30 बजे जी जी। नावों पे थी, 2-3 नावों पे। तो आपने टाइम परवाज सुन नहीं कर सकी जी, तो नावों पे आ गई है मोर क्रॉस। जी जी जी। तो ये जो मादी 2:25 पे बैठी है, तो ये मुनसफ और आमिर भाई जो हैं वो मोर क्रॉस करवा रहे हैं। ये देखें ये जी मोर क्रॉस हुई है मादी की।